हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है स्टॉक मार्केट चैंपियन। इस चैनल पर सिर्फ मल्टीबैगर स्टॉक्स और जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग को समय पर दी जाती है। इसीलिए इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे याशो इंडस्ट्री शेयर के बारे में, जिसमें लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। शेयर में स्ट्रेंथ का तो कोई नाम ही नहीं दिख रहा है, बल्कि शेयर रोज नया लो लगा रहा है। क्या हमें भी कंप्लीट एग्जिट कर लेना चाहिए याशो इंडस्ट्री के शेयर से? याशो इंडस्ट्री किस तरह की कंपनी है, कौन कौन से केमिकल बनाती है, कौन कौन से कंट्री में ये बिजनेस करती है, कहाँ से कितना रिवेन्यू ऑब्टेन होता है, कैसे इसके फंडामेंटल्स हैं, ये सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। उसके बाद ही डिसीजन लेंगे कि हमें इस शेयर को बेचना है या होल्ड करना है। आइए दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं याशो इंडस्ट्री कंपनी जो है किस तरह का बिजनेस करती है। तो दोस्तों, याशो इंडस्ट्री जो है केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में ये केमिकल को एक्सपोर्ट करती है। 5 बिजनेस वर्टिकल्स में काम करती है। कौन कौन से बिजनेस वर्टिकल है वो भी अभी आप लोग को बताएंगे। कंपनी कोई नई नहीं है, 1985 से बिजनेस कर रही है। देखिए दोस्तों, जो 5 वर्टिकल की बात हो रही थी वो ये है 5 वर्टिकल। पहला है अरोमा केमिकल्स, फूड एंटीऑक्सीडेंट्स, रबर केमिकल्स, लुब्रिकेंट एडिटिव्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। इन 5 वर्टिकल्स के केमिकल्स बनाती है याशो इंडस्ट्रीज। 50 कंट्रीज में बिजनेस करती है, जिसमें यूरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, एशिया सभी शामिल है। एक्सपोर्ट से 60% से ज्यादा रिवेन्यू इसको ऑब्टेन होता है। ये आज से एक्सपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि पिछले 20 सालों से एक्सपोर्ट कर रही है। कुछ इसके क्लाइंट्स जो हैं आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, डाबर, कॉन्टिनेंटल, अपोलो टायर, जेके टायर, एमआरएफ, सीए टायर, अदानी विल्मर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सभी इसके क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा 1000 से अधिक क्लाइंट्स को ये सर्व करती है। ये इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। ये जो अरोमा केमिकल्स बनाती है उसका इस्तेमाल फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंसेस में, माउथवॉश और टूथपेस्ट में किया जाता है। इसके अलावा पेन रिलीफ, कोल्ड कफ फॉर्मुलेशन में भी एरोमा केमिकल यूज किए जाते हैं। फूड एंटीऑक्सीडेंट जो ये बनाती है उसको लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए, ताकि उसमें कोई बदबू ना हो, फूड एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है। रबल केमिकल्स के अंदर ये होसेस, सील्स, कन्वेयर बेल्ट, ग्लव्स, बैलून्स, लेटेक्स ग्लव्स सभी मैन्युफैक्चर करती है। लुब्रिकेंट एडिटिव में ऐसा एडिटिव इसमें लुब्रिकेंट में मिलाया जाता है, जिससे कि लुब्रिकेंट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और ये स्पेशलिटी केमिकल भी बनाती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, थर्मोप्लास्टिक्स में, एग्रोकेमिकल्स में, पेंट्स इंडस्ट्री में। आज दोस्तों, थोड़े से याशो इंडस्ट्री के फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि शेयर में इतनी गिरावट के बाद भी इसको होल्ड करना है या सेल करना है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 1545 करोड़ की है। स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% का मेंटेन है। रिटर्न ऑन इक्विटी 41% की मेंटेन है। स्टॉक प्राइस का जो लो और हाई है एक साल का, 419 का लो और 2099 का हाई शेयर ने लगाया है। फेस वैल्यू 10 की चल रही है, यानी कि स्टॉक स्प्लिट करके एक्स्ट्रा शेयर का बेनिफिट भी ये कंपनी हमें दे सकती है। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। एज ऑन मार्च 2015 कंपनी की सेल्स होती थी 169 करोड़ की, जो कि मार्च 2022 में बढ़कर हो गई 614 करोड़। कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 15 करोड़ का होता था मार्च 2015 में, जो कि बढ़कर हो गया 93 करोड़ मार्च 2022 में। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी को कुछ भी नेट प्रॉफिट नहीं होता था मार्च 2015 में, और 2016 में 2 करोड़ का प्रॉफिट होता था, वो बढ़कर हो गया है 53 करोड़ एज ऑन मार्च 2022। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो 5 साल से 26% पर एनम का मेंटेन है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 साल से 70% पर एनम का मेंटेन है। स्टॉक प्राइस का सीजर देखिए, इतनी गिरावट के बावजूद भी एक साल में 207% के रिटर्न, 3 साल से लगातार 119% पर एनम के रिटर्न बना के दे रहा है ये स्टॉक। आइए दोस्तों, एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर मार लेते हैं। एज ऑन मार्च 2022 प्रमोटर के पास 71.54% की होल्डिंग है। एफआईआई के पास कुछ खास नहीं, 0.09% की होल्डिंग है। पब्लिक के पास 28.37% की होल्डिंग है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या करना है हमें। याशो इंडस्ट्री जो है बेहद शानदार कंपनी है, शानदार उसका बिजनेस मॉडल है, बड़े बड़े दिग्गज क्लाइंट्स को ये केमिकल सप्लाई करती है, तो इसका शेयर हमें नहीं बेचना है। और इसका शेयर जो है काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की एएसएम लिस्ट 4 में चल रहा है अभी। जैसे ही ये शेयर एएसएम लिस्ट से बाहर आएगा, फिर देखिएगा पहले की तरह धमाल मचा के दिखाएगा। 10-10%, 20-20% के सर्किट लगाने वाला शेयर है ये। शेयर में डाउन ट्रेंड काफी कम ही दिखाई पड़ रहा है, और अप ट्रेंड इसका अनलिमिटेड है, यानी कि शेयर गिरेगा तो बहुत ज्यादा नहीं गिरेगा, बहुत ज्यादा करेक्शन ऑलरेडी ये दिखा चुका है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोग के पास ये शेयर नहीं है, उनको तो बेहद अच्छा मौका दिया याशो इंडस्ट्रीज ने एंट्री करने का, तो आप लोग एंट्री कर लीजिए। जैसे ही रोज रोज गिरावट होती है इसमें, और इसको ऐड करते जाइए। और जिन लोग के पास है, वो बिल्कुल भी पैनिक मत क्रिएट करिए, चुपचाप होल्ड करके रखिए। शानदार कंपनी को बेचा नहीं करते।
और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि वो लोग भी याशम इंडस्ट्री के शेयर में इन्वेस्टेड हैं तो उनको भी हौसला बढ़ सके, वो भी आप लोग कितना होल्ड कर सकें बेचे ना नुकसान में। अभी इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।